हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने प्रोटिस्टा में देखा था कि प्रोटिस्टा में ये तीन प्रकार के प्रोटिस्टा पाए जाते हैं। एक होता है पादप लाइक, एक होता है कवक लाइक और एक होता है जंतु लाइक। तो जो पादप लाइक प्रोटिस्टा थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इस वीडियो में हम क्या कर देंगे, जो कवक लाइक प्रोटिस्टा है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी या एलटी या जीआईसी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इनवर्टिब्रेट क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनवर्टिब्रेट में हम प्रोटिस्टा से पढ़ रहे हैं, तो प्रोटिस्टा अच्छे से पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली एक वीडियो देखिए। इस तरीके से पूरा इनवर्टिब्रेट आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा और सभी क्वेश्चन जो है आपको मेरे ही नोट से मिल जाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम किसके बारे में देखेंगे, स्लाइम मोल्ड के बारे में। स्लाइम मोल्ड क्या होता है, जैसे कि सभी प्रोटिस्टा हैं, सभी प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ऐसे ही स्लाइम मोल्ड भी क्या है, यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। लेकिन अभी इसके पहले के जो प्रोटिस्टा हमने देखे थे वहां पर क्या था, क्लोरोफिल पाया जाता था। लेकिन यहाँ पर स्लाइम मोल्ड में क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। और जब क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाएगा तो इसमें जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये हमने अच्छे से जानना था। और जिसमें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है यानी कि जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, सड़े गले पदार्थों को क्या कहते हैं, डीकम्पोज करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं। तो स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे डीकम्पोजर होते हैं, विघटनकारी। अगर इनका एक स्पेशल करेक्टर देखें तो इनका जो वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल का क्या मतलब होता है कि किसी भी जीव की जो बॉडी जिन कोशिकाओं से बनी होती है उसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल। और एक सेल होता है रिप्रोडक्टिव सेल, एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल। इसे कहते हैं काई कोशिका और इसे कहते हैं जनन कोशिका। इस जनन कोशिका में कौन आते हैं, युग्मक आता है, स्पर्म और ओवम। तो रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ करके बाकी जो सेल्स होते हैं, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सेल में एक तो गैमेट आते हैं और दूसरा स्पोर आते हैं, यानी जो जनन में सहायता कर सकते हैं वो क्या होते हैं, जनन कोशिका होती है, स्पर्म, ओवम और स्पोर। इसके अलावा बाकी की जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे हमारा शरीर बना होता है वो क्या होती है, काई कोशिका, चाहे किसी प्लांट में हो चाहे किसी एनिमल में हो। तो अगर इस स्लाइम मोल्ड की बात करें तो इसका जो वेजिटेटिव सेल होता है उस वहां पर क्या होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। लेकिन इसके अंदर जो स्पोर बनता है उसमें क्या होता है, प्लांट की तरह सेलुलोज का सेल वॉल पाया जाता है, यानी जो इसकी काई कोशिका होगी वो अमीबा की तरह होगी। और हम जानते हैं कि अमीबा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें जो स्पोर बनते हैं उस स्पोर पे क्या होता है, सेलुलोज का एक सेल वॉल होता है। तो ये बात याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जीव है जिसके वेजिटेटिव सेल में सेल वॉल नहीं होता लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। तो आंसर क्या होगा, स्लाइम मोल्ड। इसके अलावा न तो इसमें लोकोमोटरी आर्गन, न तो सीलिया होता है, न फ्लैजिला होता है, कोई भी लोकोमोटरी आर्गन इसमें नहीं होता। तो ये याद रखना है कि स्लाइम मोल्ड कैसा होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाए जाते, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए ये क्या है, डीकम्पोजर होता है, सेल वॉल वेजिटेटिव सेल में नहीं होते लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल में पाए जाते हैं। और ये दिखने में कैसा होता है, दिखने में ये अमीबा की तरह होता है, दिखने में ये अमीबा की तरह होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, अमीबा में होलोजॉइक न्यूट्रिशन होता है, यानी अमीबा क्या करती है, अपने भोजन को ग्रहण करती है और फिर उसको पचाती है। लेकिन जो स्लाइम मोल्ड होते हैं ये पहले भोजन को बाहर पचाते हैं और फिर बचे हुए भोजन को ये क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये अंतर होता है अमीबा और स्लाइम मोल्ड में। अब स्लाइम मोल्ड क्या होता है, कुछ स्लाइम मोल्ड में क्या होते हैं कि ये एक कोशिका से दो कोशिका बन जाते हैं इस तरीके से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनका केंद्रक तो विभाजित होता है लेकिन कोशिका नहीं विभाजित होती, तो कुछ इस तरीके की संरचना बन जाती है, यानी अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं इस तरीके से। अब इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। यानी जब क्या हो, स्लाइम मोल्ड के अंदर केवल न्यूक्लियस का विभाजन हो तो ये क्या होगी,
कोशिका द्रव्य आकार में बढ़ता जाएगा, केंद्रक की संख्या भी बढ़ती जाएगी, इस तरीके से इनका आकार बढ़ जाएगा। और अब इसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम कहेंगे। तो प्लाज्मोडियम नाम का एक अलग जीव भी होता है, और स्लाइम मोल्ड में क्या होता है, प्लाज्मोडियम नाम की अवस्था भी होती है। तो काफी समय तक ये क्या होते हैं, इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं। इनका क्या होता है, ये सेलवाल सॉरी इनका कोशिका डिवाइड नहीं होगी, केवल कोशिका इस तरीके से बस बढ़ती जाती है, और इसके अंदर इनका कोशिका द्रव्य और केंद्र क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसी अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। और फिर उसके कुछ समय बाद क्या होगा कि हर केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा और केंद्रक कला बन जाएगी, और ढेर सारी कोशिकाएं बन जाएंगी, यानी ढेर सारे स्लाइम मोल्ड बन जाएंगे। इस तरीके से छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये छोटी सी जानकारी हम लोग किसके बारे में पढ़नी थी, स्लाइम मोल्ड के बारे में। अब हम क्या देखते हैं, जंतु संघ प्रोटिस्टा देखते हैं। और जो जंतु संघ जितने भी प्रोटिस्टा हैं, सबको एक अलग संघ में रखा गया है, यानी एक फाइलम में, जो पहला फाइलम हम पढ़ते हैं कौन सा है, वो प्रोटोजोआ। ठीक, तो अब किसके बारे में देखते हैं, प्रोटोजोआ जो सबसे इम्पोर्टेंट संघ है वो कौन सा है, प्रोटोजोआ है। तो आइए हम प्रोटोजोआ के बारे में देख लेते हैं अच्छे से, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटिस्टा खत्म हो जाएगा। फिर एक-एक स्पीशीज क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको क्या पढ़ना है, युगलीना पढ़ना है, पैरामीशियम पढ़ना है, इसके अलावा एंटामीबा हिस्टोलिटिका पढ़ना है। तो ये सभी क्या करेंगे, हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रोटोजोआ के बारे में देखते हैं। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। ठीक, ये तीसरी कैटेगरी है। तो प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये पूछा जाता है। तो आंसर है गोल्ड फर्स्ट ने किया था, गोल्ड फर्स्ट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ संघ शब्द का प्रयोग किया था। ये भी कैसे होते हैं, सभी प्रोटिस्टा की तरह ये भी कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। अब देखिए, ये जो अमीबा होते हैं, पैरामीशियम, तो ये अमीबा इसमें आएगा, पैरामीशियम भी आएगा, तो ये तीन कैटेगरी में होते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो फ्री लिविंग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पैरासिटिक होंगे, और कुछ जो होते हैं सिम्बायोटिक होते हैं। पैरासिटिक यानी ऐसे जीव जो किसी जीव के अंदर या ऊपर रहते हैं, वो क्या हो गया, पैरासिटिक। सिम्बायोटिक क्या हो गया, सिम्बायोटिक भी दो जीव होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन जो फ्री लिविंग है, मतलब जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसे कहा जाता है स्वतंत्र जीवी या फ्री लिविंग। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये किसी भी जीव से न तो सिम्बियोटिकली न पैरासिटिकली जुड़े होते हैं। ठीक, तो यानी तीन तरीके के प्रोटोजोआ में जीव पाए जाते हैं, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। तो और भी दो तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं एप्रोफिटिक जो सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं, और एक हमने बताया था होलोफिटिक जो अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसमें होलोफिटिक और सेप्रोफिटिक नहीं आएंगे, बाकी सिम्बियोटिक भी आएंगे, पैरासिटिक भी आएंगे और फ्री लिविंग भी आएंगे। अगर इनकी आकृति देखें तो प्रोटोजोआ का करैक्टर क्या होता है, इनके जो जीव है उनकी ज्यादातर की आकृति कैसी होती है, चेंजिएबल होती है, आकृति परिवर्तन सील होती है। और यहाँ पर भी सेलवॉल नहीं पाया जाता, केवल कोशिका मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसको यहाँ पर हम पेलिकल कहते हैं। लोकोमोशन के लिए क्या होगा, इनके पास सीलिया होगा, फ्लैजिला होगा, स्यूडोपोडियम होगा, सीलिया किसमें होता है, सीलिया आप जानते हैं कि पैरामीशियम में होता है, ढेर सारी सीलिया होती हैं पैरामीशियम में। फ्लैजिला किसमें होता है, युगलीना में होता है, और स्यूडोपोडिया किसके द्वारा किसमें होता है, अमीबा में होता है। तो ये तीनों क्या है, लोकोमोटरी आर्गन है, यानी गमन के लिए उपयुक्त आर्गन है। पैरामीशियम, युगलीना और अमीबा, पैरामीशियम में सीलिया होगा, युगलीना में फ्लैजेला होगा, और अमीबा में क्या होगा, स्यूडोपोडियम होगा।
सीलिया क्या होता है? सीलिया हमने बताया क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं लेकिन संख्या में अधिक होते हैं। तो जब आप पैरामीशियम का फिगर देखेंगे, पैरामीशियम के शरीर पे क्या होते हैं, अनेक छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं ढेर सारे। लेकिन अगर वही युगलीना का फिगर देखेंगे तो युगलीना में क्या होता है कि केवल दो ही फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। अमीबा में देखेंगे तो अमीबा में न तो फ्लैजेला होता है न तो सीलिया होता है। फिर इसमें मूवमेंट कैसा होता है, तो इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वही कोशिका द्रव्य जो है आगे की तरफ बढ़ता है, तो आगे की तरफ क्या होता है, एक उभार बन जाता है इस तरीके से। तो इस उभार जो बना है, इस उभार को ही हम क्या कहते हैं, पादाब या स्यूडोपोडिया कहते हैं, पादाब या स्यूडोपोडिया कहते हैं। उसी तरह सीलिया को क्या कहते हैं, रोमाभ कहते हैं, सीलिया को रोमाभ कहते हैं। हिंदी देखिए आपको जरूरी नहीं है याद करना, क्योंकि सीलिया शब्द जो है वो हिंदी में सीलिया ही लिखा रहता है, फ्लैजिला ही लिखा रहता है, फिर भी बता दे रहे इसको रोमाभ कहते हैं और फ्लैजिला को कसाभिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कसाभिका कहते हैं। और स्यूडोपोडिया को क्या कहते हैं, पादाभ यानी झूठा पैर। अगर इसके केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की संख्या इसमें एक हो सकती है, दो हो सकती है या इससे भी अधिक हो सकती है। जैसा कि हम पैरामीशियम में देखते हैं दो केंद्रक पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो केंद्रक एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो एक स्पेशल चीज पाई जाती है वो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्ट टाइल वैक्यूल। अभी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, इसको हम कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका। अभी संकुचनशील रिक्तिका क्या होती है, इसका काम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं अमीबा हो या कोई भी जीव हो, अगर उसको हम क्या कर दें, साफ पानी में रख दें, यानी फ्रेश वाटर में, ताजे पानी में रख दें। फ्रेश वाटर या ताजा जल का क्या मतलब होता है, ऐसा जल जिसमें क्या हो, नमक की मात्रा बहुत कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर या ताजा जल कहते हैं। तो होता क्या है कि जब अमीबा को ताजे जल में रखा जाता है तो लगातार क्या होता है, पानी इसके अंदर आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों पानी इसके अंदर आता रहता है, कैसा होता क्यों है, तो एक शब्द आप जानते हैं, सुने होंगे एक टर्म ऑस्मोसिस, जिसकी हिंदी होती है परासरण। परासरण का मतलब भी आप सब जानते होंगे कि विलायक की अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। यानी जब हम क्या करते हैं, दो सोल्यूशन को एक झिल्ली द्वारा अलग करते हैं, तो जिस सोल्यूशन की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, और एक सोल्यूशन होगा जिसकी सांद्रता कम होगी। तो सांद्रता कम कम या सांद्रता ज्यादा का मतलब होता है, एक सोल्यूशन क्या होगा, गाढ़ा होगा और एक होगा पतला होगा। तो अब इस सोल्यूशन से क्या होगा कि जल जो है वो इस सोल्यूशन में आने लगेगा, और तब तक आएगा जब तक कि दोनों की सांद्रता यानी गाढ़ापन बराबर न हो जाए। तो इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब अमीबा जिस पानी में रह रही है वो पानी क्या है, शुद्ध है, उसमें नमक की मात्रा नहीं है, यानी उसकी सांद्रता क्या है, कम है। तो वाटर जो है वो बाहर से अंदर आने लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, और जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करती है। तो इसी तरह लगातार पानी जो है वो अमीबा के अंदर आता रहता है। किस माध्यम से आता रहता है, तो ये याद रखना है, परासरण के माध्यम से आता रहता है। तो अब लगातार अगर ऐसा हो कि पानी अमीबा के अंदर आता रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि अमीबा फूल करके फट जाएगी। तो परासरण को नियंत्रण करने के लिए, तो परासरण नियंत्रण के लिए इसमें क्या होता है, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। तो अगर पूछिए अमीबा में या किसी भी प्रोटोजोआ में परासरण नियंत्रण अंग कौन सा है, या परासरण नियंत्रण के लिए क्या पाया जाता है, या संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तिका का काम क्या होता है, परासरण नियंत्रण। तो अब परासरण नियंत्रण होता कैसे है, कि संकुचनशील रिक्तिकाएं होती हैं,
अगर हम अमीबा का फिगर देखें तो अमीबा में क्या होती है, दो प्रकार की रेटिकाएं होती है। एक होता है मेन रेटिका होती है, मेन वैक्यूल होता है, और उसके किनारे किनारे पर क्या होती है, छोटी छोटी सहायक वैक्यूल होती है इस तरीके से। अब ये जो कोशिका द्रव्य में लगातार पानी आ रहा है, ये जो सहायक रेटिकाएं होती है ये उसको अब्जॉर्ब करती है और ये क्या होती है, फूल करके बड़ी हो जाती है इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे क्या होगी, इसमें मिलने लगेगी। तो जब ये क्या होती है, पिचकी हुई अवस्था में होती है तो इसको कहा जाता है सिस्टोल, और जब फूल करके ये बड़ी हो जाती है तब इसको कहा जाता है डायस्टोल। और ये अपने पानी को ये किसमें डाल देती है, इसमें डाल देती है जो मेन रेटिका है, इसको कहा जाता है मेन वैक्यूल, और इसके किनारे किनारे जो है ये कहा जाता है एसेसरी वैक्यूल। अब इसके बाद जो मुख्य रेटिका है वो क्या होगी, फूल करके बड़ी हो जाती है और ये आकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भित्ति से जो है जुड़ जाती है, और इस तरीके से पानी को क्या कर देती है, बाहर फेंक देती है। तो एक तरफ से पानी अंदर आता जाता है और वैक्यूल उसको अब्जॉर्ब करके बाहर निकालते रहते हैं, तो इसी को कहा जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील। यानी एक बार ये क्या कर देंगे, फूल रही है, एक बार क्या हो रही है, पिचक जा रही है। तो जब ये अपना पानी इसको दे देंगे तो ये क्या होंगी, फिर से पिचक जाएंगी, और फिर से पानी इनके अंदर आ जाएगा तो ये फिर से फूल जाएंगी। तो कॉन्ट्रेक्टाइल का यही मतलब होता है कि पिचकना और फूलना। तो अब इसको समझ में आ गया कि संकुचनशील रेटिका क्या होती है और संकुचनशील रेटिका का कार्य क्या होता है। देखिए अमीबा क्या है, अमीबा में कोई भी काम हो तो हर एक काम के लिए कोई भी, जैसे हम लोग हैं तो हर एक काम के लिए कोई ना कोई आर्गन होता है, लेकिन अमीबा में क्या है कि ज्यादातर जो प्रोसेस होते हैं, ज्यादातर जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, या फिर आपने देख लिया परासरण नियंत्रण हो गया, तो ये सभी दो माध्यमों से होता है। यानी यहाँ पर परासरण और मिश्रण का बहुत ज्यादा रोल होता है, परासरण और मिश्रण। तो जल की जो मात्रा होती है वो कैसे रेगुलेट होती है, परासरण के द्वारा। इसके अलावा इसमें जो श्वसन होता है वो कैसे होता है, मिश्रण के माध्यम से। उत्सर्जन कैसे होता है, मिश्रण के माध्यम से। तो श्वसन और पांच, और एक बार हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें पोषण कैसे होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें उत्सर्जन कैसे होता है। किसी हम एक का नहीं देख रहे हैं, हम सभी मतलब जितने भी प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, चाहे वो पैरामीशियम हो, चाहे अमीबा हो, चाहे युग्लिना हो, सभी के बारे में देखेंगे। तो इनमें पोषण क्या होता है कि पोषण, अगर हम बात करें अमीबा की ही बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे अमीबा हम जानते हैं, अगर किसी भोजन के कण के पास आते हैं, कोई भोजन का कण अगर अमीबा के पास आ गया तो ये स्थान जहां पर ये भोजन अमीबा को टच करता है, अमीबा वहां पर क्या होती है, अंदर की तरफ धसने लगती है, जैसे किसी बलून को उंगली से धसाया जाए उस तरीके से ऐसे। इस तरीके से, और फिर एक समय होता है कि फूड वैक्यूल के रूप में फूड जो है वो अमीबा के अंदर आ जाता है इस तरीके से। ये यहां से क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये बंद हो जाएगा और फूड वैक्यूल के रूप में फूड अमीबा के अंदर आ जाएगा। अब अमीबा के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम तो पाया ही जाता है, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम भरे होते हैं जो इस भोजन को क्या करते हैं, पचा देते हैं। तो पोषण में हम जानते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि भोजन का अंतर्ग्रहण, तो भोजन का अंतर्ग्रहण इस तरीके से हो गया, पहला स्टेप क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण। ये हम सभी प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं, सभी प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं कि इस तरीके से क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण हो जाता है। अंतर्ग्रहण के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है पाचन का, अंतर्ग्रहण को कहते हैं इंजेशन और पाचन को कहते हैं डाइजेशन। तो पोषण के पांच चरण होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद होता है एसिमिलेशन, फिर उसके बाद होता है इजेशन। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि आगे हम जितने भी एनिमल पढ़ेंगे सभी में क्या करेंगे, पोषण तो पढ़ेंगे ही, और पोषण में ये देखेंगे कि ये पांचों स्टेप जो है वो कैसे हो रहे हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे हो रहा है, पाचन कैसे हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, एसिमिलेशन कैसे हो रहा है और इजेशन कैसे हो रहा है।
भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंजेशन कहलाती है। इंजेशन के बाद क्या होता है? पाचन होता है। अब पाचन, अब जैसे बड़े जीव हैं तो वहां पर कोई ना कोई ऑर्गन होता है जहां पर एंजाइम्स का निर्माण होता है और वो एंजाइम भोजन को पचाने का काम करते हैं, लेकिन इसके पास पचाने के लिए भी कोई ऑर्गन नहीं है। इसमें सिंपल सा क्या होता है? लाइसोसोम पाया जाता है। और लाइसोसोम में हम जानते हैं कि पाचक एंजाइम भरे होते हैं, वही पाचक एंजाइम जो हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन में बनते हैं, ठीक अग्नाशय में बनता है, इसके अलावा छोटी आंत में बनते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि ये लाइसोसोम जा करके किससे जुड़ जाएगा? फूड वैक्यूल से जुड़ जाएगा, और जो ये फूड है उसको क्या कर देगा? छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा, यानी डाइजेस्ट कर देगा। प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। अब एक जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि पचे हुए पदार्थ का रुधिर में आ जाना, यानी जो भोजन छोटी आंत में पचता है वो पचा हुआ भोजन कहाँ एब्जॉर्ब होकर कहाँ चलाता है? ब्लड में चलाता है। तो इसके पास तो ब्लड है ही नहीं, इसको एक ही जगह है, तो एब्जॉर्ब होकर के कहीं और जाने की आवश्यकता है ही नहीं, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। तो जो ब्लड में पचा हुआ भोजन एब्जॉर्ब हुआ, अब वो ब्लड के माध्यम से भोजन कहाँ जाएगा? हर एक कोशिका में जाएगा और उसके कोशिका द्रव्य में विलीन हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या होगा, ये रिस रिस करके जो पचा हुआ भोजन है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये रिस रिस कर कहाँ आएगा? कोशिका द्रव्य में आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। इसके अलावा जो अपशिष्ट भोजन बचेगा, ठीक, जो अपशिष्ट भोजन बचेगा, जो अपच भोजन बनेगा, उसको क्या किया जाएगा? शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक, जो पचा हुआ रहेगा वो तो कहाँ आ जाएगा? कोशिका द्रव्य में आ जाएगा। और जो अपच रहेगा, ठीक, मान लीजिए सब कुछ आ गया, जो अपच बचा, इस अपच को कहाँ निकाल दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है इंजेशन, यानी अपशिष्ट या अपच भोजन, अपशिष्ट नहीं कहेंगे, अपच भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को इंजेशन कहते हैं। तो अगर कोई भी एनिमल पढ़ेंगे सभी में ये प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा, और सभी में ये प्रोसेस क्या होगा? टफ होगा। लेकिन अमीबा में क्या है? ये प्रोसेस एकदम सिंपल है, क्योंकि एक उसकी जीन है। तो याद रखिएगा, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वहां पर एसिमिलेशन का प्रोसेस नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें ब्लड नहीं पाया जाता, तो एसिमिलेशन का प्रोसेस भी नहीं होता। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है? प्रोसेस होता है। अब फिर बात करें कि इसमें आपको पढ़ना था कि अमीबा में या प्रोटोजोआ में पोषण कैसे होता है। तो सिंपल, इसी तरीके से सभी प्रोटोजोआ में पोषण होता है। फिर उसके बाद इसमें श्वसन और उत्सर्जन कैसे होता है? श्वसन और उत्सर्जन हमने बताया कि सिंपल विसरण के माध्यम से होगा। विसरण क्या होता है कि विलेय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि जंगल में क्या होती है? ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है, तो ऑक्सीजन क्या होती है? शहरों की तरफ मूव करके आती है। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसकी ये प्रवृत्ति होती है जहां उसकी मात्रा अधिक है, यानी सांद्रता अधिक है, वो ऐसी जगह वहां से मूव करता है जहां उसकी सांद्रता कम होती है। तो इसी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। अमीबा जिस वाटर में रह रहा है उस वाटर में क्या होगा? ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होगी, और अमीबा के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग लगातार किसमें हो रहा है? श्वसन में हो रहा है। तो अमीबा के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन लगातार आता रहता है। अब इस ऑक्सीजन का उपयोग किसमें होता है? जो अमीबा में पचा हुआ भोजन है C6H12O6 ग्लूकोज, इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण से क्या बनेंगे? CO2 बनेगा, H2O बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगी। अब ये CO2 की मात्रा क्या हो गई? इसमें बढ़ गई। अब ये CO2 क्या होगा? बाहर के वाटर में चला आएगा विसरण के माध्यम से। तो श्वसन किसके माध्यम से होता है? विसरण के माध्यम से होता है। इसी तरीके से उत्सर्जन भी क्या होगा? विसरण के माध्यम से ही होगा। इसके अंदर लगातार अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया बनता रहता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन या इक्रीशन कहते हैं। लेकिन इजेशन और इक्रीशन में अंतर अगर आप पूछा जाए, पहले तो पूछा जाता था क्वेश्चन में, मतलब आपके जो थ्योरी पार्ट होते थे, कि इजेशन और इक्रीशन में अंतर क्या होता है? इजेशन क्या होता है?
कि यहाँ क्या होता है, अपच भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया, यानी फीगल मैटर को बाहर निकालने की प्रक्रिया को इजेशन कहते हैं। और इसक्रीशन क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की। नाइट्रोजन युक्त जो जली है वो क्या करते हैं, अमोनिया को बाहर निकालते हैं। जो स्थली है जैसे कि हम हो गए, हम लोग हो गए, यूरिया को बाहर निकालते हैं। तो किस रूप में बाहर निकालते हैं, यूरिया को यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं। तो जो यूरिन डिस्चार्ज करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है, और फीकल मैटर को बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। तो ये अंतर होना चाहिए समझ में। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ। तो जो जलीय जीव होते हैं जिनको जल की अधिक मात्रा में रहते हैं वो अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं। जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां जल उन्हें कम मात्रा में मिलता हो जैसे स्थली जीव हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। फिर ऐसे जीव जिन्हें जल की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है जैसे पक्षी हैं पानी कम पी पाते हैं, रेप्टाइल्स हैं, सांप है, ये सभी पानी कम पी पाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये क्रम होता है। तो ये सभी अगर पदार्थ देखेंगे तो सभी में क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे हर सजीव होते हैं अलग अलग सिचुएशन में रिस्पॉन्स करते हैं, ऐसे ही इसमें भी क्या होती है, रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी होती है, यानी यहाँ इसके पास क्या होती है, संवेदनशीलता होती है। रिप्रोडक्शन होता है, कुछ में क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। लेकिन किसी भी जीव में, अगर किसी भी जंतु की बात करें तो किसी भी जंतु में चाहे वो प्रोटोजोआ हो चाहे कोई भी जंतु हो, उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केवल और केवल प्लांट के केस में पाया जाता है, यही बात याद रखनी। तो ये हो गए प्रोटोजोआ के करैक्टर, हो गए कि प्रोटोजोआ के कौन कौन से बेसिक करैक्टर होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। तो देखिए प्रोटोजोआ क्या है, एक संघ है। अब इस संघ को जो है वो चार उप संघ में डिवाइड किया गया है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो प्रोटोजोआ संघ है उसको चार संघ में किस बेस पे बांटा गया है। जैसे हमने पहले बताया कि जो पूरे जो जितने भी जीव हैं ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्या करते हैं, पांच जगत में बांटते हैं। तो उस पांच जगत का कोई ना कोई बेस था, ऐसे ही जो प्रोटोजोआ को चार उप संघ में बांटा गया है वो बांटा गया है लोकोमोटरी आर्गन के आधार पर। लोकोमोटरी आर्गन यानी किसमें कौन सा चलन अंग या गमनांग पाया जाता है, उस आधार पर प्रोटोजोआ संघ को चार संघ में बांटा गया है। तो पहला जो संघ है वो है जूफ्लेजिलेटा, वो है जूफ्लेजिलेटा। अब देखिए जूफ्लेजिलेटा यानी जैसा कि सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें लोकोमोटरी आर्गन कौन सा होता है। तो जो जू फ्लैजिलेटा होते हैं उसमें लोकोमोटरी आर्गन जो होता है वो फ्लैजिला होता है, उसमें फ्लैजिला होता है। इसके बाद इसके जो सभी मेंबर होते हैं क्या होते हैं, कुछ तो ऐसे होंगे जो फ्री लिविंग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पैरासिटिक होंगे, यानी दोनों तरह के मेंबर इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल इसका देखें तो ट्रिपैनोसोमा। देखिए युगलीना इसमें नहीं आएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि फ्लैजिला तो युगलीना में भी पाया जाता है, लेकिन युगलीना को हम जंतु संघ प्रतिष्ठा में नहीं रखते, युगलीना को हम पादप संघ प्रतिष्ठा में रखते हैं। तो युगलीना प्रोटोजोआ में नहीं आता है लेकिन युगलीना प्रोटिष्ठा में आता है, तो ये बात याद रखिएगा ठीक। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, ट्रिपैनोसोमा हो गया। अब बात करें दूसरे उपसंघ की, तो दूसरा उपसंघ है सिलिएटा, सिलिएटा की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिलिया पाया जाता है। सिलिएटा में क्या होगा, सिलिया पाया जाएगा जैसे कि नाम से स्पष्ट है। इसमें अगर केंद्रक देखिए तो केंद्रक जो होते हैं दो होते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, इनका स्पेशल करेक्टर है।
केंद्रक जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक मैक्रो होगा और एक माइक्रो न्यूक्लियस होगा। एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक सभी में क्या होंगे, जितने भी सिलिएटा के मेंबर होंगे केंद्रक दो होता है। जैसे पैरामीशिया में हमने पढ़ा भी है कि मैक्रो न्यूक्लियस होता है और माइक्रो न्यूक्लियस होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो आप लिख लीजिए पैरामीशियम, ठीक, सिलिएटा के तो सब जानते हैं। एक और याद रख लीजिए बेलेंटेडिया, बेलेंटीडियम। फिर इसके बाद जो ये तीसरा है ये है सार्कोडीना। तीसरा कौन सा है, सार्कोडीना, या सार्कोडीना को ही एक और नाम से जानते हैं राइजोपोडा, राइजोपोडा। क्योंकि तो जैसा कि हमने बताया था कि जो हमने रूम लिया है वो ऐसी जगह पर लिया है कि जो रोड पे है, तो इसलिए थोड़ी सी नॉइज आती है, तो इसीलिए मैंने माइक भी ले लिया ताकि नॉइज कम हो सके। इसके अलावा कुछ ऐसे ऐप भी इसके बाद वीडियो बनाने के बाद यूज करते हैं जिससे नॉइज क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको नॉइज की दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, या वीडियो अब सही बन रहा है तो ये भी बताइए। इसके अलावा नॉइज के अलावा आपको और क्या चाहते हैं कि वीडियो में इम्प्रूव हो सके वो भी आप लोग बताइए कमेंट करके। तो अगर हम बात करें सार्कोडीना या राइजोपोडा, तो इसमें कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है, तो इसमें स्यूडोपोडियम पाया जाता है, स्यूडोपोडियम। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसका एग्जाम्पल है अमीबा है, एंट अमीबा है। अमीबा और एंट अमीबा क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो इसमें भी अगर बात करें, अगर हम सिलिएटा में बात करें, राइजोपोडा में बात करें, जूब सिलिएटा में बात करें, तो सभी में क्या होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों आते हैं, ठीक। पैरासिटिक दोनों तरीके के जीव आते हैं, जैसे अमीबा में देखें तो अमीबा क्या है, फ्री लिविंग है, और एंट अमीबा क्या है, पैरासिटिक है। तो इसी तरीके से तीनों में क्या होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों ही तरीके के जीव आते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ का वो कौन सा उपसंघ है जिसमें केवल पैरासिटिक ही आते हैं, तो वो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में क्या होता है, केवल और केवल पैरासिटिक ही आते हैं। तो जो चौथा उपसंघ है उसमें क्या होते हैं, केवल और केवल कैसे आते हैं, पैरासिटिक। तो ये याद रखना है पैरासिटिक आते हैं, ठीक। तो स्पोरोजोआ के बारे में एक तो चीज ये याद रखनी है, दूसरी चीज देखिए इसमें ये याद रखनी है, अगर इसके सारे मेंबर कैसे हैं, पैरासिटिक हैं, यानी सब कहाँ रह रहे हैं, किसी न किसी जीव के अंदर रह रहे हैं, उसके किसी न किसी ऊतक के ऑर्गन से चिपके हुए रहते हैं, तो इनको क्या होती है कि परास्पर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तो शरीर के अंदर रह रहे हैं, तो इसीलिए इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता। और दूसरी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई भी लोकोमोटरी आदत नहीं, ठीक। तो इस तरीके से देखा हमने कि चार संघ में उपसंघ में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा एक चीज याद रखना है, ये सबसे बिगेस्ट उपसंघ, अगर तो पूछा जाए प्रोटोजोआ का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो प्रोटोजोआ का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा, स्पोरोजोआ है। सभी मेंबर पैरासिटिक होते हैं, इसीलिए इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। तो आप देख रहे हैं चार प्रकार के प्रोटोजोआ होंगे और चारों प्रकार में क्या है, एक में क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन है ही नहीं, तो इसको इसलिए अलग में रख दिया गया। बाकी तीनों में क्या है, तीनों में अलग अलग है, एक में सीलिया है, एक में फ्लैजेला है, और एक में क्या है, स्यूडोपोडियम है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें कि इसमें कौन सा आता है, तो इसमें आपका प्लाज्मोडियम आता है, प्लाज्मोडियम भी आपको पढ़ना है डिटेल में, और इसकी लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ही जटिल होती है। इसमें इतने ज्यादा जोआ पाया जाता है, स्पोरो जोआ, मेटा जोआ, तो वो बार बार कंफ्यूज करते हैं। तो इस वीडियो को प्लाज्मोडियम को भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे, इस तरीके डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे, ताकि ये अच्छे से याद हो जाए। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अब ज्यादा दिन नहीं रह गया आपका पीजीटी टीजीटी के एग्जाम में, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।